आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकेंड ईयर शुरू होता है ओल्ड इंग्लिश से। आप ही लोगों के डिमांड पर हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पूरा लाइन बाय लाइन का आप लोगों को हिंदी मिल जाए। ऐसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जिन लोगों को नेट नहीं काम कर रहा है, जिनके पहुंच से परे है, वे कृपया इस वीडियो को देखें। अब फर्स्ट पीरियड ऑफ द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। अंग्रेजी का जो प्रथम काल है उसको हम तीन नाम से जानते हैं। अंग्रेजी का फर्स्ट पीरियड जो है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम तीन नाम से जानते हैं। उसको हम ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं, एंग्लो सैक्सन कह सकते हैं, और एंग्लो सेल्टिक कह सकते हैं। तीन नाम से हम इसको जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहिए, एंग्लो सैक्सन कहिए, या एंग्लो सेल्टिक कहिए। हाउएवर, तो भी द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। जो पहले से दो नाम है, पहले से दो नाम कौन हो गया, ओल्ड इंग्लिश इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन, इसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं। ज्यादा प्रयोग दो ही नाम का होता है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सेल्टिक का प्रयोग न के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड इंग्लैंड। अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो सैक्सन का यूरोप से इंग्लैंड में आने से शुरू होता है। जब इंग्लैंड मेनलैंड ब्रिटेन में वो पहुंचता है, उस एंग्लो सैक्सन यूरोप से, चूंकि वो जर्मनी के आसपास रहता था, वहां से अंग्रेजी का इतिहास हमारा आरंभ होता है। दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। यह जो हमारा पीरियड है वो पीरियड है 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक। दीज टू डेट्स सिग्निफाई टू मेजर इन्वेंशंस। यह जो दो डेट लिखा गया है, दो डेट कौन है, 449 और 1066, ये दो ही काफी बड़ा आक्रमण। डेट सिग्निफाई टू मेजर इन्वेंशन, इन्वेंशन कहते हैं आक्रमण, आक्रमण को यह सिग्निफाई करता है कि दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने कि हिस्ट्री के कोर्स को ही बदल दिया। कौन कौन दो डेट हैं, पहला डेट है 449 और दूसरा है 1066, कारण कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं इसी दो डेट में घटी हैं। इसको आगे देखेंगे। एंग्लो सैक्सन्स वेयर फायर्स वार लाइक ट्राइब्स फ्रॉम यूरोप। जो एंग्लो सैक्सन थे वो फेयर्स थे, भयानक थे, डरावने थे, वार लाइक थे, जनजाति थी, कहां के थे, यूरोप के थे। एंड देयर इन्वेंशन इन 449 चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। और एंग्लो सैक्सन ने 449 ईस्वी में जो ब्रिटेन के ऊपर हमला किया, उस सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक इंग्लैंड में बदल दिया। इसलिए कि एंग्लो सैक्सन कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से करते थे। तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन एडी 1066 और 1066 में जो नॉर्मन विजय हुआ, कॉन्क्वेस्ट कहते हैं विजय, जो नॉर्मन विजय हुआ, रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड इंग्लैंड। जब 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय हुआ तो बहुत से फ्रेंच शब्द अंग्रेजी के शब्द में पहुंच गए,
मेनलैंड इंग्लैंड का जो शब्द था वे बहुत से उस शब्दकोश में यूरोप के शब्दकोश में वे शब्द सब सब पहुंच गए जो कि फ्रेंच शब्द थे. The relationships between the Celts and the invaders is difficult to describe accurately. अब जो रिलेशनशिप वहां का जो मूल निवासी था सेल्ट था ब्रिटेन का और ये लोग जो हमलावर थे इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहा इसको शुद्ध शुद्ध वर्णन करना संभव नहीं है. हॉस्टाइल रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो सकता है, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है. बट देर सीम बट दे सीम टू हैव सेटल डाउन साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुली कॉन्टेक्ट विथ द एंग्लो-सैक्सन्स एंड द एंड कंबाइन टू प्रोड्यूस सेवन किंगडम्स नोन एज द एंग्लो-सैक्सन हेप्टार्की. लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो आक्रमणकारी थे और जो वहां के मूल निवासी थे वो आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान कर लिए और एंग्लो-सैक्सन सेवन एंग्लो-सैक्सन हेप्टार्की का निर्माण किया. रज कह सकते हैं हेप्टार्की, रज का निर्माण किया. द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स gradually passed into the hands of the Saxons. अब जो सात हेप्टार्की जो बना, एंग्लो-सैक्सन जो हेप्टार्की था, जो सात राज्य बना, तो धीरे-धीरे वहाँ का जो प्रधान था, मतलब जो वहाँ का राजा कह सकते हैं, राजा जो होते थे, तो शासन की बागडोर धीरे-धीरे एंग्लो-सैक्सन के हाथों में चला गया. Because of their बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कारण कि एंग्लो-सैक्सन का जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था, राजनीतिक समझ था, वो बहुत अच्छा था, सेल्टिक से ज्यादा था. द सेल्टिक लैंग्वेज वेयर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय देम. अब जो सेल्टिक वहां का मूल लैंग्वेज था तो सेल्टिक भाषाओं का प्रयोग वे लोग जो आक्रमणकारी थे वे नहीं किया करते थे. Neither did these languages influence the Saxons. और Saxons जो थे वो भाषा से, मतलब इंग्लैंड की जो मूल भाषा थी सेल्टिक, इससे ज्यादा वे प्रभावित भी नहीं हुए. Therefore, only a handful of Celtic words exist today. इसका नतीजा है कि कुछ ही मुट्ठी भर शब्द हैं, कुछ ऐसे सेल्टिक शब्द हैं जो आज भी वहां अस्तित्व में हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेस और रिवर्स. और वो भी वहां की या तो कोई स्थान का नाम है और नहीं तो कोई नदी का नाम है. जैसे प्लेस का नेम हो गया डोवर, कंबर, कंबरलैंड, केंट और लंदन और यूरोप, ये वहां के प्लेस नेम है. और कुछ रिवर है, रिवर्स का नाम है, जैसे है एवन, टेंट्स, ट्रेंट, डी और डेवोन, ये सब वहां के नदियों के नाम है. तो इसमें इतना ही, शेष जो बच रहा है उसको अगले वीडियो में देंगे. थैंक यू.